हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सेल ऑनलाइन क्लास क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन। आपको मल्टीप्लाई करना है और किस में एक्सप्रेस करना है? मिक्स फ्रैक्शन में। फर्स्ट ए पार्ट एंड बी पार्ट गिवन है, तो वन बाय वन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए पार्ट 3 × 5 1/5, ये मिक्स फ्रैक्शन में। इसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता ही है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई, देखो ये तो मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाले जो है वो प्लस होगा, न्यूमरेटर प्लस होगा, ठीक है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 में 1 प्लस के करेंगे तो क्या आएगा 26 और डिवाइड में 5। तो चेंज करेंगे इसको, 25 में 1 प्लस करेंगे तो 26/5। अब आपको रफ में क्या करना है, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 26 × 3, 6 × 3 = 18, 1 कैरी, 3 × 2 = 6 प्लस 1 7, 78/5। अब हमें किसमें एक्सप्रेस करना है इसको? मिक्स फ्रैक्शन में। इट मीन 78 में 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखिए 78 में 5 का डिवाइड करना है। 5 × 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2। नेक्स्ट डिजिट क्या है 8, इसको एज इट इज राइट किया। 5 के टेबल रीड करेंगे, 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 × 5 = 25, माइनस करेंगे 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। अब रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 3। 15 कंप्लीट हमारे पास डिवाइड जा चुका है, लेकिन रिमाइंडर 3 अभी रिमेनिंग बचा हुआ है। तो 3 को एज इट इज राइट कर देंगे ऐसे, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको अपॉन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सभी को आना चाहिए। रिमाइंडर जो बचता है उसको एज इट इज राइट करते हैं, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइड में वो 5 से कर रहे हैं तो डिवाइड में 5। तो ये चेंज हो गया हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में, इज इक्वल टू 15 × 3/5 आंसर। ऐसे बी पार्ट सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, 5 × 6 3/4। अब देखिए ये भी मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आना चाहिए। 6 × 4 = 24, 24 में 3 प्लस करेंगे 27, तो ये आ जाएगा 5 × 27/4 एज इट इज। अब कैंसिल तो होने रहे, ऊपर नीचे देखो 27 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अपॉन में 1 लगा दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, इट मीन्स न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 × 5, 7 × 5 = 35, 3 कैरी, 5 × 2 = 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 30, 135 डिवाइड में क्या है 4। अब 135 में 4 का डिवाइड कर दिया, आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो जैसा हमने अभी डिवाइड किया था। 135 में 4 का डिवाइड कर, 4 के टेबल रीड करेंगे, 4 × 3 = 12, अब माइनस करेंगे 3 में से 2 माइनस करो 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। नेक्स्ट डिजिट क्या है 5, एज इट इज राइट कर देंगे 5। अब 4 के टेबल अगेन राइट रीड कर दिया आपको, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगेन 4 × 3 = 12, माइनस करेंगे 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और ये 0। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 3। 3 को एज इट इज राइट कर देंगे और जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम अपॉन में 4 से। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया, 33 3/4 आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, देयर मदर गेव देम ए वाटर बैग दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, टोटल वाटर का कितना कंज्यूम करती है विद्या, 2/5। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, प्रताप बाकी जो रिमेनिंग वाटर है उसको कंज्यूम करते हैं। तो हमें आंसर देना है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो विद्या ने टोटल वाटर कितना ड्रिंक किया,
and second, what fraction of the total quantity of water did Pratap drink? तो प्रताप ने जो वाटर पिया तो फ्रैक्शन में हमें आंसर देना है उसे। तो वन बाय वन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम बाय विद्या अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम by Vidya is equal to कितना consume करती है 2/5 of total amount। of total amount 2/5 तो consume करती है लेकिन total हमारे पास कितना है 5 liter। तो फाइंड कर लेते हैं 2/5 ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई 5 का 2/5 कैसे फाइंड करते हैं उसको मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को 5 से 5 कैंसिल 1 टाइम्स 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 लीटर लीटर में गिवन है तो 2 लीटर। तो विद्या के थ्रू कितना कंज्यूम हुआ था वाटर 2 लीटर। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो फर्स्ट हमारे पास आंसर आ चुका है फर्स्ट का विद्या ड्रिंक 2 लीटर वाटर विद्या ड्रिंक 2 लीटर वाटर आंसर। अब सेकंड का हमें फाइंड करना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। अब रिमेनिंग जो है वो प्रताप ने ड्रिंक किया देन अमाउंट ऑफ सेकेंड का आंसर देंगे अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम बाय प्रताप। प्रताप के थ्रू कितना कंज्यूम किया उसे हमें फाइंड करना है। तो टोटल वाटर हमारे पास था 5 लीटर विद्या ने कितना कंज्यूम किया 2 तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट किसका आएगा प्रताप का आएगा 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 लीटर 3 लीटर्स वाटर कंज्यूम बाय प्रताप। अब साथ में हमें फ्रैक्शन में भी आंसर बताना है इसका। तो कंज्यूम कितना किया इसने प्रताप ने 3 लीटर और टोटल अमाउंट कितना है 5 तो टोटल का हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो प्रताप कंज्यूम 3 लीटर तो कंज्यूम करता है लेकिन टोटल क्वांटिटी कितनी है 5 तो 5 से हम क्या कर देंगे डिवाइड। तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर कैसे देते हैं जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया था तो जितना कंज्यूम करता है जितना वो तो हमारे पास न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर में क्या होता है टोटल क्वांटिटी होती है यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 5 है तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे दैट इज आंसर। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में कितना कंज्यूम किया प्रताप ने 3/5